सो हेलो विनिशियंस, आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आपका स्वागत है वीनस फ्यू मिनट सी। तो देखो, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका एग्जांपल उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मान लीजिए भाई, शाहरुख भाई जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं मन्नत में, उनके घर का नाम है मन्नत। और सलमान खान के बाद लेट्स इमेजिन करते हैं, वैसे देखो कोई भी उनका फैन हो तो मतलब ज्यादा मत करना, जस्ट एन एग्जाम्पल एजुकेशन पर्पज के लिए। पर मान लीजिए सलमान खान जो है भाई, उनके पास घर नहीं और वो ज्यादा पावरफुल है सर शाहरुख खान से, तो देखते हैं कि भाई शाहरुख तेरे पास तो घर है और मेरे पास घर नहीं है, तो ऐसा कर भाई मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, तू यहाँ से निकल, मैं तेरे घर ले आऊंगा। और वो शाहरुख खान को हटा देते हैं और खुद उनके घर में रहने लगते हैं। ठीक है, शाहरुख भाई मन्नत में रहते थे एंड देन सलमान भाई आए, उन्होंने उसे शाहरुख भाई को हटा दिया एंड देन खुद मन्नत में रहने लगे, शाहरुख भाई अकेले हो गए। चलिए इसी चीज को अगर मैं लिखूं कैलकुलेशन, तो भाई शाहरुख खान पहले मन्नत में रहते थे, सलमान खान आए, सलमान खान ने शाहरुख को हटाया, अब खुद मन्नत में रहने लगे, शाहरुख भाई अलग हो चुके। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल भाषा। क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है भाई, कॉपर सल्फेट है, जिंक आया, जिंक ने देखा भाई कॉपर रह रहा है, मैं तो कॉपर से ज्यादा पावरफुल हूँ, तो जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा एंड खुद सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा एंड देन बनाएगा जिंक सल्फेट, और वही कॉपर अकेला सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम से ज्यादा पावरफुल है, तो भाई वो आएगा सोडियम को अपनी जगह से हटाएगा, क्लोरीन के साथ खुद लगेगा और सोडियम अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, या फिर एक हायर एलिमेंट, हायर पावरफुल एलिमेंट एक लोअर पावर के एलिमेंट को उसकी जगह से हटा के और खुद डिस्प्लेस कर दे रहा है। चलो डन, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई सोडियम आया, सोडियम तो सोडियम आया एंड देन उसने देखा पोटेशियम है, तो फिर सोडियम ने पोटेशियम को उसकी जगह से हटाने के लिए ट्राई किया एंड देन खुद NaCl बना लिया एंड देन पोटेशियम अलग। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि भाई ये वाली, सिर्फ ये वाली रिएक्शन गलत है। क्यों भाई, सोडियम पोटेशियम को क्यों नहीं हटाता, पोटेशियम को सोडियम हटा देता था, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा पावरफुल है, सोडियम कम कम पावरफुल है। जैसे कि यहाँ पर अगर शाहरुख भाई चाहते सलमान भाई को हटा देने के उनके घर से, तो ऐसा नहीं हो सकता था। सेम चीज यहाँ पर भाई, सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता, तो वो दैट्स व्हाई। अब हमें कैसे पता चले कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, तो उसके लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी थ्योरी। ये क्या होती है, इसमें लगभग सारे जितने भी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे मेटल्स इसमें दिए हुए हैं, ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड सारे सारे। अब जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, उतना ज्यादा पावरफुल है, जो जितना नीचे है उतना कम रिएक्टिव है, उतना कम पावरफुल है। दैट्स वे अगर आप देखें तो नीचे के ये जो दोनों हैं, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, और ये सबसे कम रिएक्टिव है। दैट्स वाई गोल्ड तो रिएक्ट करता ही नहीं है, दैट्स वाई वो सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि जब रिएक्ट नहीं करेगा तो खराब भी नहीं होगा। चलो एंड यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिल्वर, सिल्वर भी थोड़ा कॉप मतलब गोल्ड से तो थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है, तो दैट्स वाई सिल्वर थोड़ा सस्ता होता है। चलो अब इसे याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए सामने आपके पोएम लिखी हुई है। पोएम क्या है, काशी नाथ का महंगा आलू जिन्होंने पकाया है, कौन है आगे, काशी नाथ का महंगा आलू जिन्होंने पकाया है, कौन है आगे। इधर देखो, काशी नाथ का महंगा आलू जिन्होंने जिन्होंने फ्री में सॉरी पकाया, हाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं पोयम में वापस देखते हैं। हाँ तो काशी नाथ का महंगा आलू जिन्होंने फ्री में पकाया है, कौन है आगे आओ। सिंपल, इससे आपको एक पूरी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। तो अब अगर मैं वापस स्टार्ट करूँ देखूँ, तो आप देख सकते हैं कि भाई क्योंकि सोडियम से ऊपर है पोटेशियम, तो पोटेशियम ज्यादा पावरफुल है, दैट्स व्हाई सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता। इसके जस्ट उल्टा, क्योंकि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा पावरफुल है, तो पोटेशियम सोडियम को उसी जगह से हटा पाए, क्योंकि पोटेशियम ऊपर है, तो भाई जो ऊपर है इसका मतलब पोटेशियम सबको हटा सकता है, सोडियम इसके नीचे वाले सबको हटा सकता है लेकिन पोटेशियम को नहीं हटा सकता है, सो ऑन। चलो तो अब वहां फाइनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, तो भाई द केमिकल रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक हायर पावर का एलिमेंट एक लोअर पावर के एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से हटा। चलो
तो आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी।